गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आप सभी की भारी डिमांड पर विशेष करके मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की क्लास का आयोजन किया है। आज की क्लास का मेन मकसद है भारतीय राज व्यवस्था में विभिन्न आयोग, विभिन्न प्रकार के संवैधानिक गैर संवैधानिक संगठन, रेगुलेटरी बॉडीज या विभिन्न प्रकार के निकाय, इन सभी को एक ही कक्षा में रिवाइज कर लेना, कवर कर लेना, समझ लेना। तो आइए शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस अद्भुत कक्षा का, जिसके माध्यम से हम एक ही कक्षा में सारे आयोग कवर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले तो आप लोगों को याद है एग्जाम रस कदम कदम बढ़ाए जा, तीसरा लक्ष्य हम दे चुके हैं। जो लक्ष्य के आधार पर तैयारी कर रहे हैं उनके पास थर्ड टारगेट आ चुका है, 20 जुलाई तक का है, उसे वो कवर कर ले। अपनी तैयारी को आप भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ शुरू कर सकते हैं। यदि आप प्लान कर रहे हैं तैयारी का तो इस समय 7 जुलाई तक अनएकेडमी लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन के कई सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन टाइम है जब आप अपने अनएकेडमी लर्निंग सब्सक्रिप्शन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। 7 जुलाई से कई सारे नए बैच भी बनाए जा रहे हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे 11 बजे होता है, ताकि यदि आप लोग योग्यता के आधार पर अपनी तैयारी का शुभारंभ करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपके पास है। प्रॉमिस वीक के तहत यदि इस समय आप एमके लाइव रिफर कोड यूज करते हुए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेंस तक का सब्सक्रिप्शन, एसएससी और बैंकिंग का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 2 साल के सब्सक्रिप्शन या उससे अधिक के सब्सक्रिप्शन में सिलेक्शन ना होने पर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। अनएकेडमी की 20 बुकलेट्स नोट्स के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो जनरल साइंस से लेकर सारे नोट्स की बुकलेट्स हैं। टेस्ट सीरीज 30,000 रुपए तक की जो प्राइस वाली है प्री कम मेंस की, ये सब फ्री में मिलने वाला है और कॉम्बो ऑफर में आपको और मिनिमम प्राइसेस में सारी चीजें अवेलेबल हो रही है। यदि कोई विद्यार्थी 7 जुलाई तक एमके लाइव कोड के साथ 2 साल का अनएकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है और उसका यूपीएससी सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसे फ्री में 1 साल का एक्स्ट्रा प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। साथ ही अगर वो विद्यार्थी किसी वन डे एग्जाम की तैयारी करके कोई सरकारी नौकरी लेना चाहता है तो उसका कोर्स भी यूपीएससी सिविल सर्विस कोर्स के साथ फ्री में दिया जाएगा। हमारा बाइलिंगुअल बैच ऑप्शनल में ज्योग्राफी का चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं। आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं सभी संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग की, और आज शाम 7:30 बजे प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपद काल की भी हम बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। हम पढ़ेंगे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जीएसटी काउंसिल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग सीवीसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, नीति आयोग, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, भारतीय विधि आयोग, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ट्राई, RBI, बैंक बोर्ड ब्यूरो, NGT, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। तो एक तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारी बातें आज हम कवर करेंगे। जब तक भी क्लास चलेगी बने रहिएगा।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आयोग है क्या। पहले हम आयोग शब्द समझते हैं, कमीशन। देखो आयोग या कमीशन, या इसे हम कह सकते हैं कि कई बार निकाय के रूप में भी, बॉडी के रूप में भी जाना जाता है, कई बार किसी संस्था के रूप में भी इसे जाना जाता है, किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिए इसे बनाया जाता है, जहां पर विशेषज्ञता की जरूरत होती है, जहां विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसे हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक संवैधानिक, जिसके बारे में हमारी भारत की सबसे पवित्र किताब संविधान में वर्णन मिलता है, या जिसे संविधान में किसी आर्टिकल में या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में पूरी तरह से समझाया गया है। अगर वो संवैधानिक हैं तो उसके जो अधिकारी होंगे, उसका जो अध्यक्ष होगा, उसके जो सदस्य होंगे, उसकी शक्तियां, उसको चुनने का तरीका, उसको हटाने का तरीका, बहुत कुछ प्रॉपर वे में चलेगा। वहां कोई सरकार किसी पर दबाव डाल नहीं सकती आसानी से, क्योंकि उसके पास अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं। उसको हटाने, उसको जोड़ने, उसको सुधारने, जो भी बदलाव करने के जितने तरीके हैं, उसके लिए बकायदा संसद में आपको कानून लाना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर बहुत सारे एक तरीके से संवैधानिक शक्तियां ज्यादा मात्रा में मिल सकती हैं। ये ज्यादा शक्तिशाली रहेंगे, ये ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ये कोई भी किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा आसानी से। और जो गैर संवैधानिक होते हैं, अब वो गैर संवैधानिक को सावधिक भी कहते हैं और कई बार वैधानिक भी कहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि संसद इसे संविधान में जगह तो नहीं देती, लेकिन संसद एक कानून बनाकर इस पूरी संस्था, इस पूरे आयोग के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है और उस कानून के तहत उसे शक्तियां देती है। यदि इसमें कोई बदलाव करना है तो सरकार इसमें परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि कानून के माध्यम से जो निर्मित होंगे उनमें बदलाव करना संवैधानिक की तुलना में भारत सरकार के लिए आसान होता है। इसे कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का प्रभाव इन इकाइयों पर हमें ज्यादा मिलता है, इनकी शक्तियां और इनके दायरे थोड़े सीमित होते हैं। हिंदी माध्यम के मेरे लाल लाली एक बात ध्यान से सुन लेना, गैर संवैधानिक के लिए असंवैधानिक शब्द मत उपयोग कर लेना, नहीं तो कई लोग को लगता होगा कि असंवैधानिक कौन सी बात गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। असंवैधानिक का मतलब है जो संविधान के नियमों का उल्लंघन करे, तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। पॉलिटी में शब्दों का एक अपना अलग महत्व होता है, इसलिए यहां हिंदी माध्यम के विद्यार्थी गैर संवैधानिक को गैर संवैधानिक शब्द से संबोधित करेंगे, पर वह कभी उसे असंवैधानिक नहीं कहेंगे, क्योंकि असंवैधानिक कहने के बाद हम ये सिंपल सा कह सकते हैं कि वह संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान निर्माताओं की जो विचार थे या मूल ढांचा था उसका यह विरोध करने वाली संस्था है, इसलिए उसको असंवैधानिक कहेंगे। तो इसे कभी असंवैधानिक मत कहना। एक मेरा लाल है ऑफिशियल आकाश कटियार 2023 वाले विद्यार्थी, इसके नोट्स कैसे बनाए, एज इट इज बना देना मेरे लाल। उम्र में 12 साल स्कूली शिक्षा पूरी हुई, 2 से 3 साल स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई, इस पृथ्वी पर 18 से 20 दिवालिया पूरी कर ली हैं, फिर भी मेरे पृथ्वी पर भारत के भारतीय नागरिक के रूप में अवतरित
यह महान प्राणी हमसे पूछता है कि नोट्स कैसे बनाएं। मेरे हिसाब से ये अपने आप से सवाल करना चाहिए कि जिंदगी के 12 साल हमने स्कूलों में बिताने के बाद क्या ये प्रश्न पूछना उचित लगता है। भाई जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे शुरुआत कर दो, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, क्या गलत हो रहा है। और कितना मास्टर आपको नोट्स बनाना भी सिखा देगा। ऐसा करते हैं ना कि आईएएस की तैयारी बस नाम मात्र की करो, मास्टर परीक्षा देने चला जाएगा और फिर सिलेक्शन लेने के बाद तुम्हें मास्टर रैंक होल्डिंग दे देगा। तुम मीडिया के सामने आकना और कहना कि मेरी ऑल इंडिया थर्ड रैंक मैंने अपने बलबूते की, किसी का कोई योगदान था नहीं। अद्भुत है, भारतीय युवा जिसका ख्वाब कलेक्टर बनने का है, जिसे पूरे जिले के सारे कानून व्यवस्था को संभालना है, वो अपने तैयारी के पहले दिन पूछता है कि नोट कैसे बनाने हैं। भारतीय युवा जिसको निरंतर अपने बड़े सपनों को पाना है लेकिन वो पहले कदम पर ही डगमगा जाता है। बुरा मत मानना मेरे लाल आकाश, पर ये तुम्हें अपने ऊपर सवाल खड़ा करना है कि क्या सच में मैं अपने स्तर पर शिक्षक से सही सवाल खड़ा कर रहा हूं। आपको नोट्स बनाना भी अगर किसी प्रकार की विशेष कला लगती है तो इस YouTube पर 250 वीडियो मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे महान नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे नोट्स टॉपर के होते हैं, उन्हें भी देख लेना। फिर उसके बाद अगर मन ना भरे तो एक बार फिर प्रयास करना, उसके बाद नोट्स बना लेना। प्लीज, आप यूपीएससी और पीसीएस जैसे बड़े परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्पून फीडिंग की आदत मत डालिएगा। अपने मानसिक स्तर में जो 100 अरब न्यूरॉन दिए गए हैं उनका पूर्ण रूप से पूरी दक्षता के साथ उपयोग करते हुए कुछ निर्णय स्वयं लीजिएगा। अन्यथा पता चल रहा है कि आईएएस सिलेक्शन के बाद भी जूनियर जैसा कह रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं। वैसे तो सिलेक्शन ऐसे विद्यार्थियों का होता नहीं जो ऐसे काम करते हैं, लेकिन किस्मत से हो जाए तो मेरे हिसाब से एक गलत आईएएस अधिकारी इस भारत को प्राप्त होगा। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आप जैसे विद्यार्थियों के लिए यहां पर इस तरीके का पूरा महान कंटेंट लेकर आ जाता हूं। सभी ध्यान से सुनिए, कुछ अब अपने बलबूते कर लिया करिए मेरे लालो। 2023 का एग्जाम देना है, अगर 12वीं में भी मेरा लाल है तो पढ़ाई की है ना हमने। इस पर जरा गौर करिएगा सभी लोग। हर बार एक एक छोटी छोटी हर बारीक से बारीक बात पूछना अच्छा नहीं होता है। आप बड़े हो रहे हैं, अपने निर्णय लेने की आदत डालिए। और अगर आप अपने निर्णय नहीं ले पा रहे तो आप जिस जिले को संभालेंगे उसके निर्णय कैसे लोगे मेरे लाल, कैसे संभव हो पाएगा फिर इतने बड़े जिले को संभालना, इतने बड़े पूरे प्रशासनिक इकाई के पूरी तंत्र को अपने हाथ में रखते हुए बेहतर लोक कल्याण कर पाना। इसलिए अब ऐसे सवाल मत पूछिएगा। आइए वापिस हम अपने जीवन पर लौटते हैं। तो आयोग निकाय संस्था एक विशिष्ट बॉडी होती है जिसमें विशेषज्ञता की जरूरत होती है और यह दो प्रकार के होते हैं, संवैधानिक गैर संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन किसी भी असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड को यूज मत करना क्योंकि वह संविधान के खिलाफ माना जाता है। गैर संवैधानिक सावधिक भी कहलाते, वैधानिक भी कहलाते हैं, जिसमें संसद कानून बनाती है, कानून के माध्यम से उसे शक्तियां मिलती हैं, लेकिन वह संविधान में वर्णित नहीं किए जाते हैं, उसे संविधान की महान किताब में जगह नहीं दी जाती है। आइए जीवन का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। वित्त आयोग एक इस प्रकार की संस्था, संगठन, कमीशन मान लीजिएगा, वैसे इसे कमीशन ज्यादा सही शब्द हम कहेंगे, जो हर 5 साल में पुनर्निर्मित की जाती है क्योंकि हर 5 साल के बाद इसके दायरे, इसके आधार, कई सारी बातों में बदलाव आता है।
हम पहले संवैधानिक आयोगों की बात कर रहे हैं, तो वित्त आयोग जहां तक अब हम चर्चा करेंगे वो सब संवैधानिक है। फिर जहां से हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक की बातचीत करेंगे वहां आपको याद दिलाएंगे। ये पैसों से पहले कुछ बातें समझ लेना, बिल्कुल रटा होना चाहिए कि रात में 12 बजे कोई पूछे वित्त आयोग, तत्काल तीन चार बातें याद आनी चाहिए। 280, 5 साल, 15वां वित्त आयोग, केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा करने में मदद करता है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। वित्त आयोग जैसे इसके नाम में निहित है, कई बार जैसे केंद्र के पास पैसों का बहुत ज्यादा सोर्स है, राज्यों के पास उतना सोर्स नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम संघ है, संघ मतलब हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र में बैठी हुई सत्तारूढ़ दल अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों को ज्यादा पैसा दे दे और बाकी को ना दे, क्योंकि उनके लिए तो पूरे भारत का कल्याण करने का लक्ष्य है। तो राजनीतिक चीजों से ये चीजें प्रभावित ना हो तो बकायदा संविधान में इस बात का पूरा वर्णन किया गया है कि कोई भी राज्य कितना धन केंद्र से प्राप्त कर पाएगा। यहां एक बात जरूर समझिएगा, कई सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकारों के पास पैसा जाता है, राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकारों के पास पैसा जाता है, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूल करती है, ऐसे कई सारे टैक्स होते हैं, हमें अभी उस पर नहीं जाना है। ये ओवरऑल क्या करेगा, तय करेगा कि किसे कितना राज्य को पैसा दिया जाना चाहिए। अभी हम पहले इसके पूरे संवैधानिक स्वरूप पर बातचीत करते हैं और फिर इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर भी हम गौर करेंगे कि क्या क्या बनाए जा सकते हैं। जैसे वित्त आयोग की बात आए तो सबसे पहले संवैधानिक है इसलिए कोई ना कोई आर्टिकल तो इससे जुड़ा होगा, तो इसका आर्टिकल 280 है, 280 है इसका जो आर्टिकल, याद रखने का जो मैं तरीका कह रहा हूं उसे ध्यान देना, क्योंकि पैसे का मामला है भाई, पैसों का मामला है, तो 100% देखना, 2 और 8 10, 10 पर एक जीरो रख दिया तो बन जाता है 100, इसलिए 280। वैसे रटा भी रहे तो कोई बुरा नहीं है, याद रखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसके विषय में पूरी जानकारी दी गई है। क्या जानकारी है, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग बनाया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, पर ऐसा नहीं है कि पहला वित्त आयोग कंप्लीट होगा फिर नया बनेगा, नहीं, पहला अभी पूरा चल रहा है उसी दौरान दूसरा बनाकर रेडी है कि जैसे ही पहले का कामकाज खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिनके जो अध्यक्ष है नंद किशोर सिंह है। वित्त आयोग में 5 लोग होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हम संसदीय व्यवस्था वाले लोग हैं, राष्ट्रपति का केवल नाम डाल रहे हैं, कार्यपालिका में जो मुखिया है प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद वही तय करेगा। क्या काम करता है ये, केंद्र और राज्य के मध्य करों के वितरण तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के संबंध में सिफारिश देता है, एक सलाह देता है, फार्मूला बनाता है, एक तरीका बताता है कि भाई किन आधारों पर किसी राज्य को पैसा दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। जनरली सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, पर हमारे भारतीय लोकतंत्र की यह काबिलियत है, यह परिपक्वता है कि अभी तक जितने वित्त आयोग बनाए गए हैं सभी वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार ने मानी है, और अगर कोई पर्टिकुलर सिफारिश नहीं मानी जाती तो उसके लिए केंद्र सरकार को न केवल क्रिटिसाइज किया जाता है बल्कि केंद्र सरकार को संसद में इस बात का जवाब देना पड़ता है कि जनाब उस विशेषज्ञ की बात आपने क्यों नहीं मानी। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की हैं, राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश और उन सिफारिशों पर केंद्र सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण भी संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में रखता है। जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। हर बार एक विशिष्ट प्रकार का फार्मूला बनता है और उस फार्मूले के तहत
तय किया जाता है कि किसी भी राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा। तो सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है कि वित्त आयोग 200 क्या क्या बातें याद होनी चाहिए, अनुच्छेद 280, 5 सदस्य वित्त के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देगा। हम कहेंगे कि सलाहकारी प्रवृत्ति है, बाध्यकारिता नहीं है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में इसका निर्माण किया जाता है। कुछ बातें बिल्कुल जबान पर होनी चाहिए। जो लाल लाली मध्य प्रदेश की एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो परीक्षा ली जाती है और उसमें जो प्रश्न का स्तर पूछा जाता है वो प्रश्न ऐसे होते हैं, वर्तमान में भारत में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं वे। मैं इनके लेवल से वाकिफ हूं कि ये कहां तक सोचते हैं। देखना इनका दूसरा सवाल क्या बन सकता है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तीसरा सवाल क्या बन सकता है, भारत में वित्त आयोग का निर्माण किस आर्टिकल के तहत होता है, 278, 280, 205, 310। इतना ही सोच सकते हैं ये लोग। यूपीएससी की बात होती तो यूपीएससी में थोड़ा गहराई में जाते, सलाहकारी प्रवृत्ति का कथन आता, पूछा जाता कि राष्ट्रपति महोदय क्या इनके निर्वाचन में किसी भी अन्य व्यक्ति का भी कोई योगदान होता है या इनको चुनते समय, इस तरीके का थोड़ा कंसेप्ट होता। लेकिन मध्य प्रदेश में हम अगर देखें पेपर में तो बिल्कुल एक लाइन का सवाल बनता है। इनको आज भी प्रश्न कैसा पूछना है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक आयोग है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जल्दी एग्जाम होगा, आपको खुद दिखाई देगा। मुझे लगता है कि अब उन्होंने भी अपना लेवल बदलना चाहिए, थोड़ा बेटर लेवल करना चाहिए। मतलब वही चुन्नू मुन्नू वाले सवाल वो पूछते हैं, मतलब इन सवालों को मैं आज भी चुन्नू मुन्नू सवाल इसलिए कहता हूं क्योंकि वो गहराई में जाते ही नहीं। वो चुन्नू मुन्नू सवाल कैसे रहेंगे इनके फिर से बार बार, निम्न में से कौन सा संवैधानिक आयोग बनाया गया है वर्तमान में, फिर से वही नाम। बस एक फैक्ट बच्चे को पता हो तो उसके अंदर एसडीएम की क्वालिटी आ जाती है। इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है कि अगर एक बच्चे को पूरे फैक्ट याद है तो वो अच्छा कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर ना सही एसडीएम बन जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है। फिर वो चुन्नू मुन्नू वाले सवाल फिर पूछेंगे कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9, 10, 11, 12। उनको लगता है कि क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पता चल जाए तो उसके अंदर एक डीएसपी के गुण भी आ जाते हैं। मतलब चुनाव करने के लिए जैसे हीरे की खोज करना है तो जौहरी चाहिए, पर अगर हीरे की खोज करने वाले कोयले के खदान वाले कार्मिक हो जाए तो आप सोचिएगा कि ऐसी सिचुएशन में हीरा कौन सा निकलेगा। हमें सिलेक्शन चाहिए, इसलिए हमें पूरी मेहनत करनी है और उन फैक्ट को भी गौर करना है जिस चुन्नू मुन्नू सवालों के माध्यम से हमें एमपीपीएससी में सिलेक्शन मिलेगा। मुझे खुशी होगी यदि आयोग और भी बेहतर लेवल के प्रश्नों को पूछे जिससे कि व्यक्ति के समग्र गुणों का मापन किया जा सके। जैसे यूपीएससी के सवालों की एक अद्भुत सी आभा है, यूपीएससी के प्रश्नों की एक अद्भुत सी खूबसूरती है कि उस प्रश्न को देखने के बाद मास्टरों को भी लगता है कि सच में क्या सवाल बनाया गया है। तो आइए आज की जो कक्षा है, आप कहेंगे कि सर फिर क्या केवल चुन्नू मुन्नू सवाल होंगे इससे, नहीं इससे सब कुछ हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक रिवीजन के परिप्रेक्ष्य में रखिएगा इसे, पूरा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के नजरिए से नहीं। अभी एग्जाम नजदीक है और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि लगभग जितने सवाल मध्य प्रदेश में आयोग के माध्यम से आयोग में पूछे जाएंगे 99% की गारंटी दे रहा हूं मैं, भले मुझे नहीं पता कि अब शायद बदलाव हो जाए लेकिन 99% की गारंटी लग रही मुझे। आइए वापिस आते हैं जीवन पर। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, भारतीय निर्वाचन आयोग, भाग 15 हमारे संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक 25 जनवरी 1950 को, बस 26 जनवरी से एक दिन पहले राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। प्रमुख कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों का चुनाव, राज्य विधानमंडल मतलब विधायक हुए,
सांसद हुए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका निर्वाचन और मतदाता सूची तैयार करना। पंचायत चुनावों का जो काम होगा वह राज्य चुनाव आयोग करेगा, केंद्र चुनाव आयोग ये काम नहीं करता है। इसकी संरचना संविधान में स्पष्ट नहीं है। वास्तविक रूप में संविधान ने इसके बारे में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया कि चुनाव आयोग में कितने लोग होंगे। आपको सुनकर अचरज होगा कि एक ऐसा आयोग था जिसमें केवल पहले एक सदस्य से ही पूरा आयोग बनता था, केवल एक सदस्य से। अब वर्तमान में इसके तीन सदस्य होते हैं, तीनों की ताकत लगभग बराबर होती है, एक को चेयरपर्सन कह दिया जाता है, पर तीनों की ताकत लगभग बराबर होती है। ये आयोग के पास अपना कोई भी कर्मचारी नहीं है, एक तरीके से यह आईएएस के माध्यम से ही पूरे भारत में चुनाव कराते हैं, सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बलों के माध्यम से सुरक्षा के इंतजाम कराते हैं। भारत में शिक्षकों, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर के शिक्षक होते हैं, इनके माध्यम से यह कई तरीके के चुनावों में मदद लेते हैं। तो यह आयोग केवल तीन लोगों का बना हुआ है, बाकी तो यह सामान्य जो प्रशासनिक बॉडी होती है उसकी मदद से चुनाव कराते हैं। तो वर्तमान में तीन सदस्य है इसके, आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। तीनों सदस्यों की स्थिति और शक्तियां बिल्कुल समान है। संविधान में निर्धारित कार्यकाल इसका नहीं है, लेकिन संविधान में भले ही निर्धारित ना हो, संसद ने कानून बनाकर कहा है कि 6 साल या 65 साल, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसका कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, भारत का जो खजाना है वो मूल रूप से संचित निधि है। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट भी होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा खजाना है वो संचित निधि है, इससे दिया जाता है पैसा इसको। और पद मुक्ति, संसद द्वारा उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है, मतलब यदि इन्हें हटाना है, क्योंकि जो वित्त आयोग है ना भाई, वित्त आयोग बनता है, अपनी रिपोर्ट बताता है, अपनी रिपोर्ट को जारी करके वो 5 साल तक चलती रहती है। तो फिर एक तरीके से वो वित्त आयोग कोई काम का, मतलब एक तरीके से सक्रिय नहीं रहा, निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग तो सक्रिय रहेगा, क्योंकि चुनाव भारत में चलते ही रहते हैं। तो यदि किसी चुनाव आयुक्त को हटाना है तीनों में से, तो बिल्कुल पूरे वैसे ही तरीके से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अर्थात सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ही हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, आजादी के बाद वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है। हो सकता है कि जब तक एग्जाम हो तब तक कुछ बदल जाए, तो उसे थोड़ा अपडेट कर लेना। उसके लिए कमेंट्स मत करना कि सर भारत में अब ये हो गए हैं, उसे अपडेट करते चलना। तो पहला था हमारा वित्त आयोग, दूसरा था हमारा निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग पैसों पर बात करते हैं, निर्वाचन आयोग चुनावों पर बात करते हैं। केवल पंचायत चुनावों को छोड़ दीजिए, एक सवाल का जवाब देना, मुझे बताना यदि कहीं उपचुनाव होने वाले, उपचुनाव किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि पूरी मध्य प्रदेश में 2 संसद की लोकसभा की सीटें खाली हो गई और उस पर चुनाव होना है, तो उसे उपचुनाव हम कहते हैं। ये चुनाव कौन कराएगा, राज्य या फिर जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है? जरा तेजी से कमेंट्स करना। उपचुनाव कौन कराता है, केंद्र निर्वाचन आयोग या फिर राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग? राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग। तो वह केंद्र ही कराएगा, वो भी केंद्र कराएगा, राज्य केवल पंचायतें, राज्य केवल पंचायतों के लिए है। पूरी तरह से जो नगर निगम के चुनाव है, पंचायत चुनाव है, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है उसके लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। सब कुछ यही निर्वाचन आयोग करेगा। फिर वो उपचुनाव लोकसभा के सीटों के हो, राज्य विधानसभा के सीटों के हो, वह केंद्र चुनाव आयोग ही करेगा। राज्य नहीं करता मेरे लालो, राज्य नहीं करता है। मतलब ऐसे चुन्नू मुन्नू सवालों में निपटिएगा। एक बार मैं फिर सवाल पूछ लेता हूं, तेजी से कमेंट्स करना। वित्त आयोग आर्टिकल बताइएगा, वित्त आयोग का आर्टिकल, वित्त आयोग, वित्त आयोग, तेजी से। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन,
कितने सदस्य, वित्त आयोग में कितने सदस्य, वित्त आयोग में कितने सदस्य, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग बनाया गया है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग बनाया गया है, कौन सा वित्त आयोग बनाया गया है, वर्तमान में जो वित्त आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है, मुख्य काम क्या है वित्त आयोग का, वित्त आयोग का मुख्य काम केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारे में सलाहकारी भूमिका निभाना, सलाहकारी भूमिका निभाना। वित्त आयोग का जो मतलब अध्यक्ष चुना जाएगा या वित्त आयोग में जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा। अब आते हैं निर्वाचन आयोग पर। निर्वाचन आयोग के लिए कहां से कहां तक के आर्टिकल हैं, निर्वाचन आयोग के लिए कहां से कहां तक के आर्टिकल हैं, कहां से कहां तक के आर्टिकल हैं निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, बहुत बढ़िया। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का है वर्तमान में, निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का है वर्तमान में, कितने सदस्यों का निर्वाचन आयोग है वर्तमान में, जो निर्वाचन आयोग है उसके चेयरपर्सन का नाम क्या है, तीन लोगों में जो एक चेयरपर्सन कहलाएगा, एक अध्यक्ष कहलाएगा, कौन है चेयरपर्सन, कौन से चुनाव मुख्य या हम कहेंगे कि केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं करता, कौन से चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करता, तो केवल एक ही चुनाव जो 73 और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, नगर निगमों का, पंचायतों का, वो राज्य चुनाव आयोग करते, बाकी सारे बड़े चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, सांसदों का निर्वाचन हो, विधानसभा के निर्वाचन की बात आ जाए, ये सारे कुछ इनके ही कंट्रोल में होते हैं। अब आते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हां यूपीएससी के नाम से जो फेमस है, एक संस्था एक आयोग। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना की दिशा में सबसे पहला इनडायरेक्ट प्रयास चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट आखिरी चार्टर एक्ट 1853 का था, सिविल सेवाओं की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगी व्यवस्था का प्रारंभ, क्योंकि चार्टर एक्ट के इसके पहले ब्रिटेन से लगातार आईएएस अधिकारी के रूप में लोगों को चुना जाता था उनके द्वारा, पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होती थी। पहली बार आईएएस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में मिलता है। उस समय कोई कमीशन नहीं बना था, पर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कमीशन आयोग संस्था का निर्माण 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करते हुए 1926 में, जी हां यूपीएससी के 100 साल होने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आने वाले 5 साल के बाद यूपीएससी पूरे 100 वर्षों की संस्था बन जाएगी। तो यूपीएससी जो परीक्षाएं लेती हैं वह 1926 में इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, उसके पहले यह केवल यूपीएससी में सिविल सर्विस की परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, लेकिन वह संस्था के माध्यम से नहीं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 315 में लिखा गया है कि केंद्र स्तर पर भी एक, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, राज्य स्तर पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बने हैं, और कुछ राज्य यदि मिलकर, मतलब मान लीजिए 2 राज्य 3 राज्य मिलकर एक परीक्षा कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो संयुक्त भी बनाया जा सकता है संसद के द्वारा।
यूपीएससी में एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथासंभव आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कोई प्रशासनिक पद धारण कर चुके हैं। यहां पर लोक सेवा आयोग में जो सदस्य चुने जाते हैं, न्यूनतम आधे सदस्यों की कहीं ना कहीं सर्विस थी, या तो वो सेना में थे, या तो वह किसी राज्य सरकार के अधीन थे, या तो वह किसी केंद्र सरकार की सेवा में थे, पर 10 साल का उनके पास तजुर्बा था ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें किस तरीके के कर्मचारी चाहिए इस देश के प्रशासन को चलाने के लिए। यूपीएससी में जो भी व्यक्ति आता है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। लेकिन जो राज्य वाले होते हैं, स्टेट वाले होते हैं और ज्वाइंट मतलब अगर दो राज्यों से जुड़कर, तीन राज्य जुड़कर एक परीक्षा आयोजित करने वाले हो, तो जो कि राज्य वाले हमारे देश में मेनली, तो उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन 62 वर्ष की आयु तक वो रिटायरमेंट हो सकते हैं। राष्ट्रपति को वह अपना इस्तीफा दे सकते हैं, इधर राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। यूपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, यूपीएससी के मेंबर को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आयोग, या हम उसके लिए कहेंगे कि जांच बिठाई जाएगी। किंतु इस प्रकार के कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी तथा सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद ही उसे पद से हटाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कदाचार की जांच भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। यहां राज्य लोक सेवा आयोग के लिए हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। किंतु पद से हटाने का अंतिम निर्णय राज्यपाल का होगा। दिवालिया, शारीरिक अक्षमता, लाभ का पद तो बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के पद से हटाया जा सकता है। लाभ का पद मतलब किसी सरकारी और सेवा में या किसी सरकारी और पद में वह ऑलरेडी था, उसने अपना पद त्यागा नहीं। समझ लीजिएगा फिर से, यूपीएससी भारत में जो भी केंद्र स्तर की परीक्षाएं होती है उसको आयोजित करने वाली संस्था, इसके सदस्य कितने होंगे वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। एक अध्यक्ष होता है, 65 वर्ष या 6 साल का इनका कार्यकाल होता है और आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक में इसका वर्णन मिलता है। पहली बार 1853 में प्रतियोगिता परीक्षाएं शुरू हुई थी, 1926 में यूपीएससी बनाई गई, और इसके सदस्यों को यदि हटाना है तो वो कदाचार के आधार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और यहां पर 62 वर्ष और 6 वर्ष राज्य वालों के लिए है, राज्य लोक सेवा आयोग वालों के लिए है। लगभग सारी बातें वैसी, संविधान में आयोग के लिए कोई न्यूनतम सदस्य संख्या वर्णित नहीं है। इसका मतलब कि कितने न्यूनतम लोग रहेंगे इसका कोई वर्णन नहीं है। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें, सदस्यों की संख्या आदि का निर्धारण करने की शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति के पास है और राज्य में राज्यपाल के पास है। सिविल सेवाओं तथा सिविल पदों की नियुक्ति के तरीके से संबंधित मामलों पर यूपीएससी विचार विमर्श करती है कि कैसे परीक्षा ली जाएगी, सिलेबस क्या होगा, कितनी सीटों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी, ए ग्रेड के अधिकतर जॉब के लिए। आयोग की सलाह केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु केंद्र सरकार को संसद में बताना पड़ता है कि उसने आयोग की सिफारिश क्यों स्वीकार नहीं की। संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते और राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद के सामने रखते हैं। तो तीसरा जो कमीशन है वो है यूपीएससी, जो कि परीक्षाओं को आयोजित कराने वाला संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक कमीशन है। ठीक है, तो तेजी से जरा रिवीजन कर लेते हैं। यूपीएससी, तेजी से कमेंट्स करना, आर्टिकल कहां से कहां तक वर्णन मिलेगा यूपीएससी का, यूपीएससी का वर्णन आर्टिकल कहां से कहां तक। कार्यकाल कितने वर्ष और कितनी आयु का रहेगा यूपीएससी का, यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष और कितनी आयु तक रहेगा। यहां का जो व्यक्ति एक बार पदमुक्त हो जाए तो कहीं चुना नहीं जा सकता, लेकिन राज्य वाले केंद्र में चुने जा सकते हैं। 6
6 और 65 वर्ष। सबसे पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का प्रावधान किस कानून में था? किस कानून में पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने की बात की गई? अठारह के चार्टर एक्ट में। पहली बार कौन से कानून के माध्यम से इस संस्था का निर्माण किया गया? 1909 का मार्ले मिंटो या 1919 का मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इनमें से किस कानून के माध्यम से इसका पूरी तरह से निर्माण किया गया? किस कानून के माध्यम से इसका पूरा निर्माण किया गया? मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड या मार्ले मिंटो लाल लालियो? 1919 भारत शासन अधिनियम जिसे मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। किस वर्ष यूपीएससी का निर्माण हुआ? किस वर्ष यूपीएससी का निर्माण हुआ? यदि किसी सदस्य को पद से हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा उसके बाद ही। हां, लेकिन यदि लाभ का पद है, शारीरिक अक्षमता है, तो डायरेक्ट हटाया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 में इनका वर्णन है। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही अंडरस्टूड है। राष्ट्रपति के समक्ष वो शपथ लेते हैं। संविधान में सीएजी की योग्यता और कार्यकाल के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। मतलब सीएजी कौन बनेगा, उसकी क्या योग्यता होगी, इसके बारे में कुछ भी वर्णन नहीं है। संसदीय अधिनियम के अनुसार सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का अथवा 65 वर्ष की आयु होती है। पद से उन्हीं आधार और प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। देखो भाई, सीएजी क्या है ना, ऑडिटर जनरल है, ऑडिट करेगा, देखेगा कुछ गलत तो नहीं हुआ है, पर कब देखेगा, खर्चे होने के बाद। मतलब खर्चे होने के बाद जांचने का अधिकार है। 6 वर्ष 65 साल, इनको हटाना अगर है, मान लो किसी को लगता हो, किसी सरकार को लगता है कि ये सीएजी तो बहुत हवाबाजी कर रहा है, तो ऐसे नहीं हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, 2/3 विशेष बहुमत, उससे दोनों सदनों से तभी हटाया जा सकता है। यह कार्यपालिका, मतलब जो प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद है ना, उसी का हिस्सा माना जाता है। मतलब एक तरीके से कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और सीएजी भी आते हैं, पर सीएजी इकलौता ऐसा कार्यपालिका का पद है जो सरकार रहे ना रहे 6 साल बने रहता है या 65 साल की उम्र तक बने रहेगा। मतलब जहां हमारे देश में जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वह जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक सरकार है। जैसे वो शोले का डायलॉग है ना, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक सांसें चलेगी। तो जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक सरकार चलेगी। लेकिन सीएजी के साथ ऐसा नहीं है, सरकार चले ना चले सीएजी चलेंगे 6 साल या 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल। तो संवैधानिक सुरक्षा है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है कि राष्ट्रपति का मूड हुआ और बोले हटाओ इनको, नहीं, प्रसाद पर्यंत नहीं है, बने रहते ही भाई ये सीएजी। न्यायाधीश के पद से हटाया जा सकता है अर्थात सिद्ध कदाचार अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करके। सीएजी किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। सीएजी का मूड है कि भाई मुझे अपने पद से त्याग पत्र ना, तो दे सकते हैं। सीएजी अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको अपवाद मान लिया जाता है। आपको पता होगा कि भारत के एक सीएजी थे जिनको मोदी सरकार ने एक पद दिया था और काफी क्रिटिसाइज किया गया था, जबकि संविधान में लिखा गया है।
क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से सीएजी थे और उन्हें कौन सा पद दिया गया था? वेतन भारत की संचित निधि मेन खजाने से दिया जाएगा। सीएजी संघ की कार्यपालिका का एकमात्र ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोट, सीएजी संघ की कार्यपालिका का एकमात्र ऐसा सदस्य है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, मतलब राष्ट्रपति की मर्जी पर नहीं है, बकायदा 6 वर्ष पूरे या 65 वर्ष पूरे करेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, विनोद राय थे। और कौन सा पद दिया गया उन्हें? बिल्कुल विनोद राय थे। और कौन सा पद दिया गया उन्हें? सीएजी का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के लेखाओं की जांच करना है। शब्द पर गौर करना, सीएजी का मेन काम वित्त आयोग बंटवारे में मदद करता है, निर्वाचन आयोग चुनाव में करवाता है, यूपीएससी परीक्षाएं आयोजित कराती हैं। तो ये जो सीएजी हैं, यह जांच करते हैं खर्चों का। सीएजी का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के अकाउंट्स की जांच करना है, आर्टिकल 149 में लिखा है। इस बारे में सीएजी प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखते हैं। राज्य के अकाउंट से संबंधित रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के पास जाती है। केंद्र और राज्य के अकाउंट्स के प्रारूप के संबंध में सीएजी की सलाह के अनुसार नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। सीएजी सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि इनसे कहिएगा कि जब खर्चे करें तो ऐसे खर्चों का पूरा हिसाब किताब रखें, बाद में मैं जांच करूंगा। राष्ट्रपति महोदय को यह सलाह माननी ही पड़ती है। इस संबंध में राष्ट्रपति सीएजी की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं कि अकाउंट्स के फॉर्मेट कैसे होंगे। सीएजी भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि मतलब जो प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति के नाम पर बनाई जाने वाली आकस्मिक निधि होती है, उसकी भी जांच करते हैं। भारत के पब्लिक अकाउंट के खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की भी आकस्मिक निधि और पब्लिक खाते के सभी खर्चों की भी जांच करते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी भी विभाग के सभी खातों का भी जांच कर सकते हैं। संसद की लोक लेखा समिति, ध्यान से सुनना, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी है संसद में, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी है संसद की, उसमें भी सीएजी अपनी बात रख सकते हैं या पब्लिक अकाउंट कमेटी बुला सकती है सीएजी को कि तुम्हें जांच करने के आदेश दिए हैं संविधान ने, बताओ क्या रिपोर्ट है तुम्हारे पास। मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में सीएजी काम करते हैं। सीएजी केवल तभी ऑडिट कर सकता है जब पैसा खर्च किया जा चुका है। कुछ देशों में सीएजी खर्च से पहले भी जांच करते हैं, लेकिन हमारे देश में सीएजी जांच तब करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। भारत के पहले सीएजी वी नरहरि राव थे, वर्तमान के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। सीएजी आर्टिकल बताइए तेजी से। सीएजी आर्टिकल कहां से कहां तक के बीच में सीएजी के आर्टिकल की बातचीत आती है? बिल्कुल, चहल ने अच्छा कदम दिया है, मरने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं। आर्टिकल 148 से 151 या 149 से 151, 148 से 151, सीएजी मेन काम केंद्र राज्य किसी भी विभाग के अकाउंट की जांच करना। यदि सीएजी को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के जैसी प्रक्रिया है। यह इकलौता पद है सीएजी जो कार्यपालिका का पद जरूर है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष या कितनी आयु तक का होता है? सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष कितनी आयु तक का होता है? क्या सीएजी को पद के बाद किसी अन्य पद पर नियुक्ति का अधिकार है? तो हम कहेंगे कि नहीं है, नहीं है। वर्तमान के सीएजी कौन है? वर्तमान के सीएजी
प्रारूप बनाने के लिए जो सिफारिश वो देंगे वो सिफारिश राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। और कौन सी समिति ऐसी है संसद की जहां सीएजी एक मित्र के रूप में, सलाहकार के रूप में मदद करता है? संसद की कौन सी समिति में सीएजी एक सलाहकार के रूप में, एक मित्र के रूप में मदद करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। बहुत बढ़िया, लोक लेखा समिति, आइए, बहुत ही बढ़िया। अगली बात है जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। 101वां संविधान संशोधन, याद कैसे रखेंगे? हमारे देश में 101 बहुत ही पवित्र आंकड़ा माना जाता है, किसी को भी चंदा देना हो तो सरकार को चंदा देना मतलब जीएसटी मान लेना। तो 101वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 279A के तहत इसका निर्माण किया गया है। 279A1 के तहत जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष केंद्र के वित्त मंत्री होते हैं। सभी 28 राज्य और संघ शासित क्षेत्र जहां पर विधानसभा होगी उनके वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। काउंसिल के तहत केंद्र सरकार को एक तिहाई मत कोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर केंद्र सरकार के जो भी व्यक्ति या केंद्रीय वित्त मंत्री हां कह रही हैं, तो माना जाएगा कि 33% लोगों ने हां कह दिया और सभी राज्य सरकारों को एक साथ मिलाकर दो तिहाई मत कोटा दिया गया है। लेकिन अच्छी बात क्या है? प्रत्येक निर्णय 75% भारित बहुमत से लिया जाता है। केवल बहुमत से नहीं, इस काउंसिल में क्या होगा और क्या नहीं होगा, किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा और किस पर नहीं लगेगा, 75% मतदान जब होगा उस विषय पर हां होगा तब वो लागू होगा। यह इकलौता ऐसा काउंसिल है मेरे दृष्टिकोण में जो वास्तविक रूप में संयुक्त परिवार अर्थात संघवाद को मजबूती प्रदान करता है, जहां प्रत्येक परिवार को बराबरी का महत्व महसूस होता है। अन्यथा इसके पहले ऐसा कोई काउंसिल कमीशन नहीं है जहां राज्यों को इतना महत्व दिया गया हो। तो एक बेहतरीन निकाय है जहां राज्यों को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो एक बार फिर रिविजन करते हैं, जीएसटी काउंसिल कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी काउंसिल का निर्माण हुआ? कौन से संविधान संशोधन के तहत? किस आर्टिकल में इस काउंसिल का वर्णन हमें संविधान में मिलेगा? किस आर्टिकल में इस काउंसिल का वर्णन हमें संविधान में मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल में केंद्र को कितना वोटिंग कोटा दिया गया है, कितना प्रतिशत कोटा दिया गया है, कितना वोटिंग कोटा दिया गया है? थर्टी थ्री परसेंट। यह जीएसटी से जुड़े हुए हर फैसले कितने प्रतिशत मतदान से स्वीकार करता है, मतलब जीएसटी का कोई भी फैसला लेना हो तो कितने प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत की आवश्यकता होती है? 75%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
पहले क्या था भाई, जब संविधान बना था तब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था कि वह विशेष अधिकारी इस क्षेत्र के या इन समुदाय के लोगों के लिए सरकार को सलाह देगा। पर धीमे धीमे पता चला सरकार को कि नहीं, एक अधिकारी के बस की बात नहीं, इसके लिए कमीशन बनाना पड़ेगा। तो पहले फिर इसके लिए कमीशन बनाया गया, फिर धीमे धीमे सरकार को लगा कि केवल एक कमीशन से एससी और एसटी दोनों का विकास नहीं हो पाएगा, तो एसटी का एक कमीशन बन गया और एसटी का एक कमीशन बन गया, और अभी पिछले साल पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक संवैधानिक कमीशन बना दिया गया। तो पहले एक विशेष अधिकारी था, फिर इसका एक कमीशन बना, फिर इसके दो कमीशन बने, अब आजकल इसके तीन कमीशन बन गए हैं, ऐसा मान के चलिएगा। तो आइए जरा जानते हैं बारीकी से। आर्टिकल 338 संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पर, ये आयोग कब बना? 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत। नहीं तो 338 ए तो विशेष अधिकारी की बात करता था, इसकी बात करता था विशेष अधिकारी की, लेकिन अब बातचीत आयोग की करने लगे 65वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया, जिसके अंतर्गत 338 और 338 ए जोड़ा गया। 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी आयोग और 338 ए के तहत एसटी आयोग का निर्माण किया गया। फिर इसमें एक अध्यक्ष होता है भाई, एक उपाध्यक्ष होता है और तीन सदस्य होते हैं जिन्हें कहते हैं पूर्णकालिक सदस्य, जिसमें एक महिला रहेगी। तो 1+1+3 और एक महिला। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, सेवा शर्तें, कार्यकाल का निर्धारण करने की ताकत भी राष्ट्रपति को, 3 साल का इनका कार्यकाल होता है। प्रमुख कार्य हैं एससी एसटी के कल्याण तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सिफारिश करना। जो एससी आयोग है वो एससी के लोगों के कल्याण के लिए सरकार को सलाह देगा, उन्हें कहेगा कि आप कितने अभी इनमें पिछड़े लोग हैं, कितने अभी भी कमजोर तबके के लोग इसमें हैं, और उनके लिए क्या बेहतर योजनाएं आ सकती है, उसकी सरकार को सलाह देता है। एसटी वाला एसटी वाले लोगों के या एसटी समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए सलाह देगा। एससी एसटी संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मुद्दों का निरीक्षण भी करता है और संविधान में जो भी उनके लिए कानून बने हैं उसकी जांच भी करता है कि वह कानून और कितने बेहतर तरीके से लागू किए जा सकते हैं। एससी एसटी के हितों का अतिक्रमण करने वाले मामलों की भी यह सुनवाई करता है। यदि एससी एसटी का कोई भी मामला है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो फिर ये सुनवाई करता है। आयोग को सिविल न्यायालय के जैसे ताकत है, सजा भी दे सकता है, किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा एससी एसटी को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर आयोग से परामर्श किया जाएगा। सरकार आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, किंतु आयोग से परामर्श करना पड़ता है सरकार को। इन मसलों पर जब भी सरकार को कोई नीति बनानी है तो उससे वह बातचीत जरूर करेगा। कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। यदि आयोग की रिपोर्ट का संबंध किसी राज्य सरकार से है तो उपयुक्त कार्य राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में संपादित किया जाएगा। मतलब हर साल यह आयोग अगर किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए है तो रिपोर्ट जारी करके विधानसभा में वह रिपोर्ट रखी जाएगी। तो जरा तेजी से आते हैं, कौन सा आर्टिकल है जो एससी एसटी के लिए विशेष अधिकारी की बात करता था? कौन सा आयोग है जो एससी एसटी के लिए विशेष अधिकारी की बात करता था? एससी एसटी के लिए विशेष अधिकारी की बात करता था? कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे आयोग का दर्जा दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे आयोग का दर्जा दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत इसमें दो आयोग बनाए गए?
इसमें दो आयोग बनाए गए, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसमें दो आयोग बनाए गए? फिर अगर हम बात करें कौन सा आर्टिकल एसटी आयोग के लिए है, कौन सा आर्टिकल एसटी आयोग के लिए है, शेड्यूल ट्राइब 338 ए, और एससी आयोग के लिए कौन सा है? एससी आयोग के लिए कितने सदस्य रहेंगे पूर्णकालिक? 3, जिसमें एक महिला, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष रहेगा, और राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, राष्ट्रपति संसद को रखेगा, किसी राज्य का मसला है तो राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल विधानसभा के सामने रखेगा। कोई भी काम अगर एससी एसटी समुदाय से जुड़ा हुआ है तो इन आयोगों से सरकार को चर्चा करनी पड़ेगी। इनका मेन काम है कि एससी और एसटी समुदाय के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए सरकार को नीतिगत मदद करें, सलाह समय समय पर देती रहे। सिविल सेवा सिविल कोर्ट के बराबर की ताकत है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब ये वैसे पहले से ही था लेकिन अब इसको संवैधानिकता मिल गई, मतलब अब इसको संविधान में जगह मिली। संविधान में जगह मिलने का मतलब अब इसको आसानी से कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत गठित, 93 में ही बन गया था ये, लेकिन तब यह कानून के तहत था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। पेत्रक मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग पर काम करेगा। संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब क्या हुआ? सिविल न्यायालय के समान शक्तियां मिल गई। ओबीसी से जुड़े मामले अब सीधे संसद के पटल पर रखेंगे। निर्वाचित सरकार के द्वारा आयोग की मांगों की उपेक्षा करना कठिन होगा और ओबीसी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो याद रखिएगा, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत लाया गया है। पेत्रक मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ओबीसी का मतलब होगा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग, और अब इसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। आइए, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, मतलब अभी इसमें आयोग नहीं बनाए, अधिकारी हैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 भाग 17 आर्टिकल 350 बी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति भाषाई अल्पसंख्यक के हितों को, भाषाई धार्मिक नहीं, भाषा मतलब उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, तो उस लैंग्वेज के लोगों के लिए ये काम करता है, पर विशेष अधिकारी हैं, आयोग नहीं, एक अधिकारी हैं। 7वें संविधान संशोधन के तहत इसे आर्टिकल 350 बी में जोड़ा गया है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें परामर्श देना। तो ये थे पूरे के पूरे संवैधानिक आयोग। आइए लाल लालियो, शुरुआत करते हैं गैर संवैधानिक, असंवैधानिक शब्द का उपयोग नहीं करेंगे आप लोग, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे हम सावधिक भी कहते हैं। पहला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जी हां, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या काम करेगा ये? पूरे भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, जैसे आपने खबर सुनी कि कोरोना के इस काल में पुलिस अधिकारी या किसी पुलिस वाले के द्वारा किसी रिक्शा वाले को बहुत ही चौराहे पर बेरहमी से पीटा गया, या फिर किसी कलेक्टर ने किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ लगा दिया, तो फिर ऐसे में आप कहेंगे भी मैं मानव हूं, कोई जानवर थोड़ी हूं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो ये खड़ा होगा, ये कोई साधारण से लोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो रिटायरमेंट के बाद इसका अध्यक्ष बनता है,
तो ये भी कोई साधारण शक्ति वाला नहीं, बहुत ज्यादा शक्ति है। पर ये मेनली कहां काम करता है, भारत में, भारत के डिफरेंट टाइप की जितनी भी जेलें हैं, हर जेल का निरीक्षण कर सकता है, चेक करेगा कि कैदियों के साथ कोई अमानवीय व्यवहार तो नहीं कर रहा है, क्योंकि भी कैदी है वो, जरूर उसने अपराध किया है, उसे दंड दिया गया है, लेकिन वो मनुष्य है, इस बात को भूला नहीं जा सकता है, उसके अपने कुछ प्राकृतिक मानवीय अधिकार हैं, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, इसलिए भले ही अपराधी क्यों ना हो, लेकिन उसके अपने मानव अधिकारों की रक्षा जरूरी है। एक लोकतांत्रिक देश का कर्तव्य है कि मानव अवतार में अगर आया है तो उसके अधिकारों का संरक्षण करें। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की, इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है लाल लालियो, हर वर्ष व्यक्तिगत गरिमा, स्त्री पुरुष समता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समता, स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का उल्लेख किया। भारत ने 1948 में मानव अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु मानव अधिकारों के संबंध में संस्थागत प्रयास बहुत देरी से 1993 में शुरू हुआ, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब इसके लिए हम आर्टिकल याद नहीं रखेंगे, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो आयोग बना ये कौन से वर्ष के कानून से बना। तो जब 73 और 74वां संविधान संशोधन हो रहा था, उसी वर्ष मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया, नरसिम्ह राव की सरकार के दौरान केंद्र और राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ। मतलब केंद्र स्तर पर भी एक आयोग है मानव अधिकार आयोग, और हर एक राज्य में भी राज्य स्तर पर एक आयोग है। सावधिक निकाय कानून के माध्यम से जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर होती है। इस उच्च स्तरीय समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, उपराष्ट्रपति नहीं है, उपसभापति, मतलब जो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं उनके बाद संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, 3, 2, 5, 6 लोग होते हैं, और यह 6 लोग तय करते हैं कि कौन ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बनेगा। वैसे केवल ये औपचारिकता है, जनरली अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, वही बनते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार 5 सदस्यीय निकाय है, मतलब इस मानव अधिकार, ये तो चुनने वाले लोग 6 हैं जो इनको चुनेंगे, इनके 5 मेंबर होंगे जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज होगा या फिर कोई अन्य न्यायाधीश, 1 हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश, 3 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें मानव अधिकार के संबंध में व्यापक जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव है, जिसमें एक महिला होना जरूरी है। एक अध्यक्ष होगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, हाई कोर्ट का भी एक रिटायर्ड जज होते हैं, बाकी 3 लोग जो जैसे नहीं होते भाई एनजीओ चलाते हैं, मानव अधिकारों पर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनका काफी लंबा तजुर्बा है, तो वो मानव अधिकार आयोग में जगह बना लेते हैं। 3 लोग होते हैं, उसमें एक महिला चुनना अनिवार्य है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय, इसके अलावा कुछ सदस्य इसमें पदेन होते हैं, पदेन मतलब जो भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर आयोग का सदस्य बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, वो इसमें भी माना जाएगा कि उनको भी मीटिंग में बुलाना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, अनुसूचित जनजाति आयोग के और राष्ट्रीय महिला आयोग के भी सदस्य इसमें रहेंगे। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहेगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यद्यपि आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। आयोग द्वारा अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित की जाती है। आयोग प्रतिवर्ष अपने दायित्व के निर्वहन और सिफारिश के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद के पास भेज देते हैं। तो मानव अधिकार आयोग 1993 में कानून के तहत बनाया गया है। 1948 में 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने पूरे विश्व में मानव अधिकारों के लिए काम करने का जिम्मा उठाया था, तब उसी के तहत बनाया गया है। 5 लोग रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के एक जज और 3 लोग जिनके पास व्यवहारिक अनुभव है।
फिर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापित के संथानम नाम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश के आधार पर। मतलब सीवीसी मेनली काम क्या करता है, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये आयोग जरूर है पर इसके पास अपनी खुद की कोई जांच एजेंसी नहीं है, सीबीआई के माध्यम से ही जांच करवाता है। भाई अधिकतर देशों में जो सीवीसी होता है उसकी अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है, उसके अपने खुद के विशेषज्ञ लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार के मामलों को बहुत अलग तरीके से जांचते हैं। तो के संथानम की अध्यक्षता वाली जो भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने, उन्होंने सिफारिश की थी, प्रारंभ में सरकार के आदेश द्वारा बनाया गया, लेकिन फिर 2003 में इसके लिए कानून बना दिया गया, मतलब एक सावधिक दर्जा दिया गया, सावधिक गैर संवैधानिक कानून के माध्यम से। एक केंद्रीय सतर्कता आयोग की अध्यक्षता और दो अन्य सतर्कता आयोग, मतलब जैसे चुनाव आयोग होता है वैसे तीन लोगों की यह संस्था है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति सिफारिश करती है, जिसमें एक प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये तीन लोग मिलकर तय करते हैं कि हमारे देश का सीवीसी कौन बनेगा। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र है किंतु कार्यकाल की समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकते। सीवीसी किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग के अधीन नहीं है, ध्यान से सुनना, सीवीसी किसी मिनिस्ट्री के अधीन नहीं आता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह एक सलाहकारी निकाय है, कोई न्यायिक अधिकार नहीं, मतलब किसी को सजा भी नहीं दे सकता, ये ना सजा दे सकता है, ना जांच कर सकता है अपने स्तर पर, और ना ही किसी प्रकार का हम कह सकते हैं कि बाध्यकारिता है। आयोग को ना तो किसी अपराधी को दंड देने की शक्ति है, ना भ्रष्टाचार के आरोपी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज करने की, कोई इसकी अपनी जांच एजेंसी नहीं है। सीबीआई या सरकारी कार्यालय में जो मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से जांच कराता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें नहीं होती है दिखाने के लिए कि जी भाई हमारे यहां पर भी है सीवीसी। मेरे हिसाब से केवल और केवल एक नाम मात्र की संस्था है जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि कैसी और कितनी जांच यहां होती होगी। फिर अगला है लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल केंद्र में, लोकायुक्त राज्य में। जैसे कि केंद्र निर्वाचन आयोग है वैसे राज्य का निर्वाचन आयोग है, जैसे कि केंद्र के मानव अधिकार हैं आयोग है वैसे राज्य का मानव अधिकार आयोग है, वैसे केंद्र में लोकपाल हैं, राज्य में लोकायुक्त हैं। लोकपाल यथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से, 2013 में क्यों, क्योंकि अन्ना हजारे साहब इसी के लिए आंदोलन कर रहे थे, इसी के लिए इतना बड़ा लोगों को इन्होंने प्रेरित किया, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बन गया, मतलब भारत से भ्रष्टाचार सदा के लिए समाप्त, भारत का प्रत्येक नागरिक गंगा के समान पवित्र, भारत के प्रत्येक नागरिक में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिकताओं का भरण पोषण, उसके अंदर नीति शास्त्र के नियम इतने भरपूर भर दिए जाएंगे कि नीति शास्त्र की उसके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी और उसे उसके कारण नीति शास्त्र का कोई न्यूनता नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अद्भुत सी बातें हुई थी, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, आप लोग पूरी तरह से जानकार हैं। आज उस आंदोलन के 10 वर्षों के बाद आपको समझ में आ रहा होगा दुनिया कितनी बदल चुकी है। यह भी एक कानूनी निकाय है, सावधिक निकाय, मतलब गैर संवैधानिक कानूनी निकाय है। 2013 में, यह कहां से सीखा हमने, स्वीडन में ऑम्बुड्समैन अवधारणा से प्रेरित है। हाँ, लेकिन माना जाता है कि इसके बाद कुछ लोगों को बहुत लाभ हुए थे, कुछ लोग मुख्यमंत्री तक बने हैं, आप समझ चुके होंगे। इस अवधारणा को अपनाने वाला गुआना प्रथम विकासशील देश था, विकसित देशों ने तो अपनाया। भारत में ओम्बुड्समैन की अवधारणा केंद्रीय विधि मंत्री कुमार सेन के द्वारा प्रस्तुत की गई। लोकपाल लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम उपयोग एल एन सिंघवी के द्वारा किया गया।
पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस प्रकार के संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक पारित, किंतु लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव पर सिफारिशें देने के लिए प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन 2011 में, 2013 में सिविल सोसाइटी द्वारा व्यापक जन आंदोलन से लोकपाल बिल संसद में पारित, 16 जनवरी 2014 से अधिनियम लागू हो गया। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसे प्रशासन अथवा प्रबंधन के मामले में कम से कम 25 वर्ष का तो ही अनुभव होना चाहिए। अन्य 8 सदस्यों में 4 सदस्य कानून से जुड़े हुए होते हैं, जबकि 4 सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला श्रेणी से आते हैं। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर। चयन समिति में कौन होता है जो इन सभी का चुनाव करेगा? लोकपाल कौन बनेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता भी हो सकता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ। तो 1, 2, 3 और ये 4 लोग तय करते हैं कि लोकपाल के 8 लोग कौन होंगे। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए संसद के 100 सदस्य अपने हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं कि लोकपाल का जो अध्यक्ष है वो सही नहीं काम कर रहा है या कोई सदस्य सही नहीं काम कर रहा है, तो संसद के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को दीजिए। एक नए तरीके का प्रक्रिया है यहां पर, इसे पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, क्योंकि नया एक बात है इसमें। इसके पहले ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि किसी को यदि हटाना है तो लोकपाल को या उसके सदस्य को हटाना है तो संसद के 100 सदस्यों वाली हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करेगा और आरोप सही पाता है तो राष्ट्रपति के लिखित आदेश पर उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। लोकपाल का शक्तियां क्या है? लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी, डी अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े हुए ना हो। मतलब प्रधानमंत्री ने इन विषयों को छोड़कर किसी और जगह पर भ्रष्टाचार किया हो, ऐसा कोई मामला आया हो, तब लोकपाल प्रधानमंत्री को बुला सकता है। लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि सभी लोक सेवक अपनी और अपने आश्रितों की कुल संपत्ति को सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे। मतलब कहा है कि आईएएस अधिकारी या बड़े जितने अधिकारी है सब संपत्ति घोषित करेंगे, करता कोई नहीं है। इसके पास सीबीआई की जांच करने और उसे निर्देश देने के अधिकार है। लोकपाल को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इधर लोकपाल भी बना दिया, लोकपाल लोकायुक्त, राज्यों में लोकायुक्त कहलाएगा, और उधर सीवीसी भी है। हाँ, जैसे अफरोज ने कहा, मेरा भी यही सवाल है, जब पहले से ही सीवीसी था तो फिर लोकपाल की क्यों जरूरत, और यदि लोकपाल लाया गया तो अब सीवीसी की क्या जरूरत? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल अफरोज अहमद, हमारा भी यही सवाल है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये सीवीसी और लोकपाल दोनों को एक तरीके से शक्तिशाली मिलाकर क्यों नहीं बना दिया जाए और बढ़िया ताकत दीजिए ना भाई, पता चले, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है वो कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों ना जांच को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की बातचीत, और जो भी लोकपाल बनता है वो भी तो सरकार के जो लोग होते हैं, विपक्ष का जो व्यक्ति बैठा है, जज बैठे, सबके द्वारा चुनकर बनाए जाते हैं। तो मेरा भी सवाल यही है कि क्या अब ये अलग अलग कर देने चाहिए? फिर अगला है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना के अधिकार का सुदृढ़ीकरण। हमारे देश में आरटीआई कानून 2005 में आया, तो इस कानून के तहत जब हम किसी से सूचना मांगेंगे और अगर वो हमें सूचना न दे तो कहीं ना कहीं शिकायत करनी पड़ेगी, कोर्ट तो जाएंगे नहीं,
तो फिर अगर हमने किसी से सूचना मांगी, हमारी सूचना का उत्तर किसी ने तय सीमा में नहीं दिया, तो हम राज्य स्तर में जाएंगे। राज्य स्तर वाले ने काम नहीं किया तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास हम शिकायत कर सकते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग एक तरीके से भारत का एक कानूनी आयोग है, जो आपको आरटीआई के कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करता है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बनाया गया एक गैर संवैधानिक आयोग है। नोडल विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण डिपार्टमेंट है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त, मतलब 11 लोगों का मैक्सिमम हो सकता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की समिति रहेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री होगा। तो 3 लोग तय करेंगे कि ये 11 लोग कौन से होंगे। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का कार्यकाल होगा, किंतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा, आप लोगों को पता होगा पिछले ही साल कानून आया था, पहले 5 साल और 65 वर्ष की आयु थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब केंद्र सरकार जब भी लगेगा चलो निकलो यहां से, हटा सकती है। तो यह पूरी तरह से कार्यपालिका का मूड है, कार्यपालिका। और जब पूछा गया कार्यपालिका से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो कार्यपालिका ने कहा ताकि निष्पक्षतापूर्ण काम हो सके। अब आप बाकी समझदार हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यद्यपि आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र बिल्कुल भी नहीं है, फिर से इन्हें चुना नहीं जा सकता। आयोग का मुख्य कार्य आरटीआई एक्ट 2005 के तहत लोगों द्वारा मांगी गई सूचना को तय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है। आयोग का मुख्य उद्देश्य शासन प्रशासन के मामले में ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता का समावेश करना है। आयोग के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, इनके खिलाफ केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब यदि मान लीजिए कि आयोग ने कोई भी आदेश पारित किया, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सूचना मांगी थी, मुझे तय समय पर सूचना नहीं मिली, मैंने आयोग के पास सिफारिश की, आयोग ने मेरे अनुसार निर्णय दिया, उस अधिकारी को दंड दिया, अब उस अधिकारी को लगता है कि आयोग ने मेरे साथ ना इंसाफी की, तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सीबीआई का मंत्रालय, जरा मैं देखना चाहूं कितने लोगों को याद है, मैंने एक बार बताया था सीबीआई की मिनिस्ट्री, सीबीआई का मंत्रालय कौन सा है लाल लालियो? औपचारिक शुरुआत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत भारत सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले यह भारत के डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारों की जांच के लिए बनाया गया था 1946 के कानून के तहत। 1963 में गंभीर अपराधों की जांच की शक्ति इसको दी गई कि जो भारत के लेवल पर, नेशनल लेवल पर कोई गंभीर अपराध होगा तो उसकी जांच सीबीआई करेगा। पर आपको सुनकर अचरज होगा कि सीबीआई कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अंतर्गत है, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत है, होम मिनिस्ट्री के तहत नहीं है, गृह मंत्रालय के तहत नहीं है। इसे ध्यान से सुन लेना लाल लालियो, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत, मतलब एक तरीके से यह इकाई काम करती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था आप लोगों से। फिर है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें इंस्टीट्यूशन भी आ गया और आयोग का नाम भी आ गया। 1 जनवरी 2015 को पहले यह योजना आयोग हुआ करता था, अब यह नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। करता क्या है भाई, पहले योजना आयोग 5 साल की योजना बनाता था,
उस योजना के लिए सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देशित करता था, उस योजना के लिए पैसा का बंटवारा भी राज्य सरकारों को करता था। नीति आयोग थिंक टैंक है, थिंक टैंक मतलब एक विशेषज्ञों का दल है जो केवल सलाह देगा, जो केवल योजना बनाएगा, दीर्घकालिक अल्पकालिक, 3 साल 5 साल 15 साल, 3 साल 7 साल 15 साल। नीति आयोग पैसों की बात नहीं करेगा, किस राज्य को कितना पैसा देना है वो पूरी तरह से अब वित्त मंत्रालय तय करता है, पहले योजना आयोग भी बताता था, लेकिन नीति आयोग के पास वो ताकत नहीं है, इसलिए इसको कहते केवल थिंक टैंक है, जो विशेषज्ञों का समूह है जो केवल ये बताएगा कि कहां क्या करना है, बाकी इसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री कहेगा कि गृह मंत्रालय वाले मंत्री को ले लो, डिफेंस मिनिस्टर को ले लो, फॉरेन मिनिस्टर को ले लो, या फिर हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को ले लो, इस तरीके के कुछ 4 मंत्रियों को ऑलरेडी इनका सदस्य बना जाएगा नीति आयोग का। इसके अलावा इसकी क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर सदस्यता प्रमुख अनुसंधान संस्थान जितने भी प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और कभी कभी प्रधानमंत्री कुछ विशेषज्ञों को अलग अलग क्षेत्र के बुला सकता है। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब है, एक है टीम इंडिया हब, मतलब इसके 2 मुख्य रूप से संगठन है, एक तरीके से कह सकते हैं लोगों का समूह है, टीम इंडिया हब जिसमें राज्य और केंद्र के बीच कनेक्टिविटी का काम करता है, और दूसरा है ज्ञान और नॉनमेश नॉलेज और इन्वेंशन हब जो नीति आयोग का थिंक टैंक है, यही बताएगा कि कौन सी योजनाएं आनी चाहिए और कौन सी योजनाएं नहीं। नीति आयोग के उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ऐसे संघवाद को बढ़ावा देना जो एक दूसरे की मदद करे, रणनीतिक दृष्टिकोण अथवा दीर्घकालिक नीतियों के लिए पूरी तरह से फ्रेमवर्क तैयार करना कि अब भारत के विकास के लिए कैसी नीति बननी चाहिए, अंतर सरकारी और अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना, विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाना, राज्य की विकासात्मक गतिविधियों में भी मजबूती लाने के लिए सलाह देना। तो नीति आयोग 2015 में बनाया गया, उसके पहले योजना आयोग था। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं भारतीय विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। वित्त आयोग संवैधानिक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वैधानिक है, कानूनी संबंधी विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए समय समय पर, शब्द पर गौर करना, समय समय का मतलब कि कोई फिक्स नहीं है कि बनाया ही जाए, न तो संवैधानिक आयोग है ना सावधिक विधि है, और न्याय मंत्रालय के द्वारा कभी भी बनाया जा सकता है, कोई कानून भी नहीं है। भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कानूनी सलाह को देने के लिए कि भाई कानून भारत में कैसे कानून बनने चाहिए, पुराने कानूनों का संशोधन क्या होना चाहिए, कौन से कानून अब किसी प्रासंगिकता के नहीं रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1955 में भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एमसी सितलवाड़ की अध्यक्षता में, और 21वें विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान 2018 में, 22वें विधि आयोग पर अभी कोई बातचीत नहीं आई है। फिर है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। देखो भाई प्रशासनिक सुधार आयोग क्या होते हैं, भारत का जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है उस प्रशासनिक तंत्र की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, उस प्रशासनिक तंत्र में भारतीयता के गुण नैतिकता के गुण कैसे आने चाहिए, उनकी परीक्षा कैसी होनी चाहिए, सारी सिफारिशें देता है ये। अभी तक केवल 2 ही बने हैं प्रशासनिक आयोग, अभी तक केवल 2 ही प्रकार के प्रशासनिक आयोग बने हैं। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक आयोग बनाया गया था, मोरारजी देसाई, और दूसरा प्रशासनिक आयोग बनाया गया था वीरप्पा मोइली, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्र सरकार में मंत्री बन जाने के बाद
के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो पहले मोरारजी देसाई थे, बाद में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी दो रिपोर्ट 1966 और 1970 में केंद्र को दी थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना, कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। 2009 में आयोग ने भारतीय शासन प्रणाली में सुधारों के लिए 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। फिर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। भारत में कई सारे ऐसे अपराध होते हैं जिसमें माना जाता है कि वो आतंकवादी अपराध इसलिए कर पाए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था। 2008 में जो हमला हुआ था संसद पर, तो ये माना जाता है कि सब कुछ कोऑर्डिनेशन के तहत होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून 2008 के तहत दिसंबर 2008 में अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने, उन पर अंकुश लगाने, केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने, केंद्र और राज्य के बीच में ही नहीं भारत की जितनी भी सेनाओं के या भारत की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आपको उनकी शिकायत करनी है तो आप ट्राई से कर सकते हैं। जैसे कि आइडिया का नेटवर्क नहीं आ रहा हो, जैसे कि एयरटेल की सर्विसेज आपको ज्यादा मतलब बिना किसी कारण के पैसे काट रही हो। 1997 में बनाया गया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 97 कानून के तहत मुख्यालय नई दिल्ली में। एक अध्यक्ष होता है, न्यूनतम 2 अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, 97 के कानून के तहत बनाया है। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहा हो। अन्य सदस्य का चयन ऐसे व्यक्ति से किया जाएगा जिन्हें दूर संचार उद्योग, वित्त लेखांकन प्रबंधन अथवा उपभोक्ता मामले के क्षेत्र में नॉलेज होगा। क्या काम है? तो दूर संचार सेवाओं के लिए रेगुलेट करना, मतलब दूर संचार सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना, दूर संचार सेवाओं के विस्तार के लिए निष्पक्ष, समान और पारदर्शी परिवेश का निर्माण करना। मतलब कोई ऐसी नीति ना बने कि किसी एक को बेनिफिट हो, बाकी को बेनिफिट ना हो, किसी एक कंपनी को बेनिफिट ना हो। सबको सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस की सेवा शर्तें जारी करना, लाइसेंस शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना, दूर संचार सेवा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। फिर है फाइनेंस मामले में रेगुलेटरी बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि 1934 के कानून के तहत फिर 1 जनवरी 1935 से काम शुरू किया गया। पहले मुख्यालय कलकत्ता में था, फिर 1937 से मुंबई में लाया गया, फिर इसका सबसे पहले 1 जनवरी में राष्ट्रीयकरण किया गया और वहां पर RBI कानून के तहत इसे शक्तियाँ सौंपी गई। अगर हम बात करें तो वर्तमान में 20 निदेशक मंडल के तहत ये पूरा काम करते हैं, एक इनका गवर्नर होता है और पूरा का पूरा यह जो 20 लोगों का समूह है RBI के पूरे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। फिर है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करें तो यह विशेष प्रकार की संस्था है, भारत सरकार का एक ऑटोनॉमस बॉडी है। 2016 में बनाया गया, मुख्यालय मुंबई में RBI के केंद्रीय कार्यालय में इसको जगह दी गई। पहले अध्यक्ष विनोद राय थे, वर्तमान अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा हैं। करते क्या ही है? तो जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, SBI है या बैंक ऑफ इंडिया है, इनका कौन अध्यक्ष बनेगा, इनकी गवर्नर बॉडी कौन सी होगी, तो इनके अध्यक्षों का चयन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार, सरकारी स्वामित्व वाले बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों का चयन अब यही करते हैं। विकासशील और व्यवसायिक रणनीति तैयार करने, बैंक की मदद करना और पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने में बैंकों की मदद करते हैं। फिर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत विश्व का तीसरा और पहला विकासशील देश है जिसने पर्यावरण के मामले के लिए एक विशेष कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली में यह कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते इसे। इसके जज ग्रीन जज कहलाते, वकील ग्रीन एडवोकेट कहलाते हैं। 2010 के कानून के तहत बनाया गया है। भारत विश्व का तीसरा पहला विकासशील देश है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। दिल्ली में और 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में हैं। NGT एक्ट 2010 के तहत अनिवार्य है कि NGT के पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा
छह महीने के भीतर होना चाहिए। इसी में एक जो जज होगा, एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल है। पुनर्नियुक्ति के लिए संभव नहीं है कि पुनः यही चुने जाए। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। आवश्यक है कि प्राधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ रहेंगे जो पर्यावरण के मामले पर निर्णय 6 महीने के भीतर देंगे। फिर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत स्थापित, यह भी सावधिक है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत शक्तियां दी गई हैं। फिर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत और पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियां दी गई है। फिर एक नया बनाया गया है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, 2020 में बनाया गया, विशेष रूप से दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करना। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश क्षेत्र अधिकार है। एक अध्यक्ष सहित 18 सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष, पहले अध्यक्ष MM कुट्टी हैं। आइए फाइनली देख लेते हैं कौन किसके अध्यक्ष के रूप में है। तो आयोग में पहला वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग नंद किशोर सिंह, निर्वाचन आयोग सुशील चंद्रा, संघ लोक सेवा आयोग प्रदीप कुमार जोशी, CAG GC मुर्मू, GST काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल सैनी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, केंद्रीय सतर्कता आयोग सुरेश पटेल, लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, केंद्रीय सूचना आयोग यशवर्धन कुमार सिन्हा, केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रवीण सिन्हा, नीति आयोग उपाध्यक्ष अमिताभ कांत उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होंगे। 22वें भारतीय विधि आयोग के लिए अभी नियुक्ति नहीं हुई है। 21वें भारतीय विधि आयोग में बलबीर सिंह चौहान, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुख्य है कुलदीप सिंह। 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी महाजनपद काल पर, तब तक के लिए बने रहिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके आगे की, रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, खास करके मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि एक कक्षा में हमने सब कुछ कवर करा दिया है। रिवीजन के नजरिए से याद रखिएगा सभी।